क्या हुआ है भैया, क्यों रो रही है? महाराज हमारा इंसाफ चाहिए। महाराज तुम्हारे साथ क्या हुआ है? महाराज आप जाने चाहते हाँ तो सुने हम आपके बतावत नहीं। अरे सुन बात तो सुन बारे, अरे हमारी बचनिया सुन ले पाया विश्वास नहीं करेंगे। परंतु बुढ़ी मुझे बताओ कौन था वो? महाराज अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनिए मैं आपको बतला रही हूं। बताओ। अरे तो हर बेटा जमुना के तीर मछली मारने नहीं गया था? हाँ गया था। उसके साथ करीमन नहीं गया था? वो भी गया था। और आपके बेटे का नाम बाला लखंदर नहीं है? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मुझे इंसाफ चाहिए महाराज। अगर ऐसी बात है तो जरूर इंसाफ मिलेगा, उसे आने दो आज। मैं चली हूँ महाराज। दरबारी बेटा
करो, एक कबला कितना लूट लिया। अरे किया हमसे भाई ये बाबू जी कौन से ऐसी गलती हुई है कि आप जो कि मुझे पैरों से ठुकरा रहे हैं। गंगा के तट पे कोई अपना नारी गई थी और उसका तुम्हारा फूल उठ गया। देखिए बाबू जी आप क्या कर रहे हैं। बाबू जी मैंने ऐसे नहीं किया। तो क्या झूठ बोल रही थी। अरे हम लाए कल बाबू जी वो ना इज्जत लूट ले। अरे सुन लो तू सुन लो बाबू जी। अरे हमारी इज्जत बुढ़िया कहती कि हम मौसी हम कहे। हम कहिए बाबू तोर मौसी आए ले जा गरम पानी भर ले उठा दा। ये गैला गरम पानी उठा हमसे कहते कि द्वारपाल जाओ चारा खन के लाओ। हम और चारा खाना थी तो यार मौसी के अपने पटक के चप्पल ऊपर से ही है। दाग दाग चिल्ला दे लिए हो ना जाके बचाई तो पजरिया उधर एक तोड़ कर ले। आपको यकीन नहीं होता है। इज्जत तुम्हारे सड़वाई कहीं लुटला है बाबू जी।
यदि आपको की नहीं होता है तो चलिए गंगे माँ के तट पे। गंगे माँ से पूछ लो, गंगे माँ मेरा गवाह है, उसका इंसाफ वही करेंगी। अच्छा एकदम सही बतावा, गंगा माई आज लेके के दर्शन देने ये तो ना बतावा, के दर्शन देने ये तो ना बतावा, एक आदमी के देह ले जानता हूँ के उधर ताको देखा था, एक आदमी के दर्शन दे ले बाबा रविदास जी के, बाकी दर्शन के एक चुतिया बनावा था। ये तो अरे सड़वाइन कर लो, इज्जत लूट ले है आप मोहन पाकी है तुम बाकी हो ना, मम मतलब हम लूट लेना है नहीं तुम बाकी हो ना, हम लूट बात कर रहा हूं गार के एक नहीं तुम लूट नहीं पिताजी रुक जा एक मिनट रुका, आप इसकी बात तो ना है और चलिए गंगे माँ के तट पर, क्या बनाता चला गंगे माई के पास चलो, हम काहे के जाएं, चलिए पिताजी क्या बोला हम इज्जत लूट लेके जाएं, हम ये लूट लेके लेके जा, तुम नहीं जाओगे साथ में, हां तुम नहीं जाओगे, चलो हम बात में आई, चलिए पिताजी आइए देखते हैं। और कचरे में हो कचरे में मोर हीरवा हेरा गई, और कचरे में गंगे माँ आज तेरे कट्टे में आया माँ, मेरा इंसाफ करना माँ। आओ माई बेने एक पाव लड्डू चढ़ाई बा। गंगे माँ से मेरे पिताजी कह रहे हैं कि सूर्या की आवरू को मैंने लूटा, इसका इंसाफ कर दे माँ। यो गंगे माँ, गंगे माँ, गंगे माई कहाँ है बोलती है गंगे माँ? तो अल्लाह से ना सुनिए, रुका एक मिनट, गंगे माँ, गंगे माँ मेरा इंसाफ करो माँ। हाँ हो भाई इंसाफ करता हो माई, साफ साफ बता दा बहने तो के हरियर कराही चढ़ाई बिना पानी वाला नरियल तरकुले का खुजा आ बिना बोले वाला खसी चढ़ा दे। आया खसी वाले ये पिछड़ा बाप एको तो फोड़ देला, क्या फोड़ देला रे जाने ओहा अंडा ले ले रनी सुना, तू तो वो तर गरम होत वाले तर मुर्गी मुर्गा तर मुलो तू दूसरे बेटी बेटा के मरले में बड़ा निक लगे रहा, अपने बेटा के देखा ऋषि कपूर बनो ले रहा साथ रहो। मैं गंगे माँ के तट पे आ गया हूँ, मैं गंगे माँ से खुद पूछूंगा। बाबू ये पाप तुम्हारे बाप के पड़ी, पूछला हे गंगे माँ ये राजन का प्रणाम स्वीकार करो, मैं ये बताओ मेरा बेटा क्या ऐसा घटिया काम किया है क्या माँ? महाराज आपका बेटा निर्दोष है, दोषी तो करीमन है, इस बुढ़िया की अत ही खाया था। ए गंगा माँ ए तोरी बिटी हुआ की मौका कहीं नहीं हरे रे, ए गंगा माँ ए तोरी बेटी की कुछ कहनी मत मारे गंगे माई बेरे अढ़ाई किलो लड्डी दे रही तोरी बिटी हुआ की क्योंकि
ये बुढ़िया को पैसा देकर ही दही दही खाया था। हाँ, पैसा देकर खाई ले रहा नहीं। हाँ। परंतु गंगे माँ, जब ऐसी बात हो तो बुढ़िया कौन थी? महाराज, आप यहीं से अपने महल को लौट जाइए, इसी में आपकी भलाई है। परंतु गंगे माँ, मैं जाना भी नहीं, कैसे मैं लौट जाऊंगा? महाराज जानना चाहते हैं, मैं आपको बतला रही हूँ, क्यों कोई बुढ़िया नहीं थी, मैं आपका दुश्मन पंडित भूसौर था। मेरा दुश्मन भूसौर था? आप बुझा तो ले ही आप। ठीक है गंगे माँ, मैं यहीं से रिटर्न जा रहा हूँ। क्या पिताजी, आपको इंसाफ मिल गया पिताजी? हाँ बेटी। महाराज अगर देखा थी यूं लड़का के ले, अब मोर छुट्टी करा अपने घरे जाए, नहीं तो मोर ये नंबर बेटा बाला रखा कर। आप पिताजी, मछली का शिकार तुम करो, मैं पहरा खुद दूंगा वहां पे। ठीक है पिताजी, मैं मछली का शिकार करने जा रहा हूँ। ठीक है जाओ। अरे गंगा माई का ऊंची बा और अरिया न हो, जहां बुगे भागा गारबाल, शिकार करके ही जाना होगा। हाँ हो, अब कितनी कई जाने के फसाई पाऊँ, तू तो मर दो हमारा खिया माँ फोड़ दो मर दो। कटिया जुरा ये छुड़ा। अरे हीरावा रे, अरे गंगा जी के कर दो, ताकि मैं बाबा लखनदर के कटिया में इन लोहे की मछली फंसा सकूं और मेरा काम और आसान हो जाएगा। शान भोलेनाथ। ए बाबू, वो जो कल्ले से मछली मारा मन के बुझा तो कुहेसा घेर रहे लौकत ना। अब बादर फाटी घबरा मत, भोलेनाथ अब मेरा काम हो चुका है, मैं चल रहा हूँ। मेरे जाते ही इन दोनों की आंख ठीक हो जानी चाहिए। चल भोलेनाथ। अरे तू का बादर दार बाल, बादर फाट गया। पकड़ो दार बाल, फसल ये का हो दार बाल पकड़ो। रुका रुका, चप्पले आई क्या है कटीबा मर्द पेटवा हमारे फाड़ दे। अरे मछली किधर है? मछली तो चप्पले पेटे के नीचे। कहाँ है दारपाल? कहाँ ना है, पकड़े के पड़िए के। ठीक है, बहुत बढ़िया रे, कांटा वाली है।
ठीक है दरबार, दोनों गोड़ करा अपन पहले। दोनों गोड़ करा, मोरना है मोर का, मोर का अपना ही कर रहा हूँ ना। नहीं तू अपन करा, हमार छोड़ा हमार कर था वा। तू तो मरदा हमार जोड़वा छोड़ा देवा। क्या दरबार, अब दोनों ओर से हाथ डाला पेटे में है, पेटे में दोनों ओर से डाला डाला। रुका रुका है का पकड़बा? अरे मुर्ख मछली किधर है? मछली का पकड़बा? पहले ओकर मुड़ी पकड़ी। अरे मैं देख रहा हूँ उसमें। अब मुड़ी पकड़ सुना, कंचटी में हाथ डाल के तब घिचिया। ठीक है दरबार, पकड़ा। हाँ 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 है, मरता कहीं का पागल हो गया है वो मछली है। अरे अभी तो पकड़ने जा रहा था तब तक चिल्लाने लगा। तो मछलिया पकड़ कर रहा है? मछली कहाँ है दरबार? तो मुझसे मजाक कर रहा है दरबार। मछली अब गई सड़क के पीछे। क्या? पीछे गई मछली? हाँ पीछे से हाथ डाला। रुक जाइए एक मिनट। अरे मर्दवा है, क्या है दरबार? का प्लास्टिक पहरे थवा का? अरे थोड़ा जगह बनाने दो ना। तो जगह है अब हमार फैलावा मां जोड़वा छोड़ दे। ठीक है देख रहा हूं। गैस वेल्डिंग करो नहीं है एक तन बटोरे दा मर्दवा ढेर फैलल। चल आप डाला, आराम से डाला। हाँ डाला। मर्दवा खेखड़वा के बिलिया में था डाला थवा। आराम जादे, मैं सोचा रही मछली कहीं इस दरार में ना चली गई है। दरार में ना हेर हे दिया, जल्दी आवा हेर आवा। क्या हेर पकड़ा? हेर हेर पकड़ा। हाँ सेवरियल नोचा थवा है। सेवरिया, अरे बस सेवरियल नोचा थवा पर थवा। दरबार नगरी मदवा नोच गला पे। ये कैसी मछली दरबार? ये देखो दरबार, कटी हुआ में ना। ऐसी मछली तो मैंने कभी देखा नहीं दरबार। अरे तू का गजब आई तो मछली हो। ये कौन मछली बाबू? मुझे लगा थी पगलेट ही है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है ये कैसी मछली। इस मछली को देखकर मुझे अफसोस होता है। आओ चलो, आओ चलो राजसी महलों में चलते हैं। चलो दान। पिताजी की शरण में बाला लखेंद्र का प्रणाम है पिताजी। पापू जी कहो बेटे। अरे सुन बात सुना पापा पूजी हम सुन ले पाया लो हवा।
ऐसी मछली तो मैंने कभी नहीं देखा था। मुझे तो इस मछली को देखकर अफसोस होता है। राजदरबारी, सारे राज में ऐलान कर दो। बाबू चला जो राजदरबार के अंदर आराम करिए। इस मछली, इसके आने का, मछली के आने का कारण क्या है? राजदरबारी, इस मछली को जो बनाएगा इस राज में, उससे मैं अपनी बेटी का शादी कर दूंगा। इस मछली को जो बना करके खिला देगी जो लड़की, हाँ हाँ, बाला की शादी उससे आप कर देंगे। हाँ राजदरबारी, पूरा उत्तर प्रदेश में ऐलान कर दो। तो ये के अब उत्तर प्रदेश में मत ऐलान करवाए कि हम ना बना देबो, तुम बनाओगे। तो का भल, तुम मेरे बेटी से शादी करोगे? आ नहीं नहीं ना बना, हम ना बनाए। ठीक है, ऐलान कर दे रहा हूँ महाराज। हाँ ऐलान कर दो। पूरे राज्यवासियों को सूचित किया जाता है कि महाराज के पास एक लोहे की मछली है। जो लड़की लोहे की मछली को बना करके खिला देंगी, हमारे महाराज अपने बेटे बाला की उसके साथ शादी कर देंगे और इस पूरे राज ताज का मालिक बनाएंगे। अधिक से अधिक संख्या में आइए, मछली से लाभ उठाइए। धन्यवाद। बैठा वैसे मुके जहां तक कुएं देखे वही बना, लोहे का मछली महाराज। धीरे धीरे काफी समय हो गई, इस मछली को बनाने के लिए आपके राज में कोई लड़की तैयार नहीं है। थोड़ा देर इंतजार कर लो। कर ला मछली बनाने के लिए कोई लड़की तैयार नहीं। राजदरबारी, कहिए महाराज। उज्जैन नगर चले जाओ, बेचू सेठ के पास। बेचू सेठ, अच्छा आपके दोस्त जो है। हाँ हाँ, आप स्वयं चलो महाराज, हम संग में चलते हैं ना। सिफारिश करेंगे, गुजारिश करेंगे, हो सकता है कि वहाँ कोई व्यवस्था बन जाए। ठीक है चलो। चलिए अरे रतिया मोर बलबुआ कैला बाला जोरी रे, अरे रतिया मोर बलबुआ कैला बाला जोरी रे, भुजनिया रे
गिर गल मुंह अकेला तो जिंदगी असैया पियला तारा सेठ का दरबार है। हाँ राजदरबारी बैठिए भी आवाज लगाता हूँ। अरे भाई इस रात दरबार में कोई है? लग रहा है अंदर जाना पड़ेगा। रुकिए भी देख रहा हूँ। महाराज बेचू सेठ तो नहीं है पर उनकी एक लड़की है मिली है आ रही है। कहिए किस लिए बुलाए हैं आप? सारी बातें बता दो। हमारे महाराज की एक शर्त है, इनके पास एक लोहे की मछली है। अच्छा शर्त है कि जो लड़की लोहे की मछली को बना करके खिला देंगी महाराज इकलौते बेटे बाला की उसके साथ शादी कर देंगे और इस पूरे राज ताज का मालिक बनाएंगे। ठीक है जैसी आपकी आज्ञा। लाइए मछली कहाँ है दीजिए मुझे। यही रही मछली। ठीक है आपका नाम क्या है? मेरा नाम आपको पता नहीं है? अब हो सकता है महाराज को पता हो हमको तो नहीं पता है। मेरा नाम बिहुला है। अच्छा अच्छा तो फिर मछली बनाइए और हम लोगों को खिलाइए। ठीक है महाराज शादी ना हुई। क्यों? वो मछली बना के खियाओ दे तब वो शादी ना हुई। इसलिए? अरे शादी चर चौ आदमी रखेला खियावेला दूध दही दूहे खाती कहती हम बहिला है। कौन बोला? वो तो कह के गई नहीं। तुम्हें ना कहली है? हम कहने की का तुहार नाम है? तू कहती बहिला हमारा नाम। अरे देखो बुबला कहा कर गई है। बुबला हाँ बैठा तो बैठा बैठा जल्दी से बैठा। हम कहिए दादा बैठा। हम बताओली ना भाई ललका मर्चा से इन्फेक्शन राजा के कुनैया बौसी रही है। क्या बोला रे? वो कहता है कि अम्मा माला मर्चा मसाला खुशबू तो सही आवती है। डर ललका मर्चा वाली बतिया। क्या डर है? वो फूट जाए खूना खून कर जेबा घर ले। क्या तुम्हारे देखा पहले देखा मछरिया देखा पहले
ठीक है, खा कर देखो। तू ना खा ला खा। नहीं मैं मछली नहीं खाता हूँ। मत मत एक बार और खाओ देखो। कांटा बहुत है तुमका। हे बेकूफ, ढंग से तललू ना। एक तड़का देले रह तू। कटवा जर गल रह। अच्छा कटवा कहीं हल गल रह। जी चाचा जी, मैं मछली बनाकर दे दी हूँ, आप खिला दीजिए, मैं जा रही हूँ महिलाओं में। ठीक है बेटी जाओ। राजा भाई सौ परसेंट। चलिए हम लोग के साथ के अनुसार मछली बन गई। हाँ काम हो गया। हाँ दिन पता ही बता। राजा भाई दिन पता ही तुम रख दो। बुलावा कहा, आओ बेटी बहुला। आज के सातवें दिन हम लोग बारात लेकर आएंगे और आप जो है शादी करके करने के लिए हम लोग सातवें दिन आपसे आज के बाद सातवें दिन हम लोग आएंगे बारात लेकर के। किसकी शादी? आपकी शादी। हमारी शादी? जी हाँ, अपने बेटे इकलौते बाला से करेंगे। अच्छा, इनकी शर्त थी जो मछली बना करके खिला देंगी जी, उनके साथ मैं अपने बेटे की शादी करूँगा। ठीक है, तो मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त है बताइए? मैं उसी के साथ शादी करूँगी जी, जो अचल घर कोहबर बनवाएगा और रखवाली के लिए साकर कुत्ती और